हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस। बेटा, अपन लोगों ने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर लिया था और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था, उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। वो क्वेश्चन, उस पूरी लाइफ साइकिल को मैं डिटेल डिस्कस कर रही हूँ यहीं पर। वो आगे भी आएगा तो आगे अपने को करने की ज़रूरत नहीं है और जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। मैं फास्ट ड्रॉ कर रही हूँ। हनी, हम कर रहे थे टॉपिक पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? पार्थिनोजेनेसिस। और उसमें मैंने आपको बताया था कंप्लीट और इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल, जिसमें इनकम्प्लीट में एग्जांपल है हनी बी। कौन सा एग्जांपल है? हनी बी। और ये जो बनाई है मैंने, ये है क्वीन हनी बी, क्वीन। और क्वीन सिर्फ पूरी हनी बी फैमिली में एक ही होती है, ओनली सिंगल क्वीन। क्वीन इज फीमेल, सिंगल, ओनली वन। एंड वन मोर थिंग, एक ही काम होता है, इट इज फर्टाइल, सो इट विल प्रोड्यूस एग्स। फर्टाइल मतलब इट विल प्रोड्यूस एग, उसका यही काम होता है, ठीक है? वो एग दे, दिस इज द बिग एब्डोमन ऑफ द फीमेल एंड इट इज अ लार्ज साइज ड्यू टू लार्ज एब्डोमन विच इज फिल्ड विद एग्स। ये तो हुआ हनी बी की जॉइंट फैमिली का एक इंपॉर्टेंट मेंबर क्वीन, ठीक है? दूसरे सिंगल है, बहुत सारे अप टू थाउजेंड्स क्या होते हैं साइज में छोटे, वर्कर हनी बी। कौन सी होती हैं? वर्कर हनी बी। और वर्कर हनी बी साइज में बड़ी नहीं होती, एब्डोमन बड़ा नहीं होता, दे आर इनफर्टाइल, मतलब वो एग ले नहीं कर सकती, दे आर इनफर्टाइल एंड दे आर फीमेल्स, ओके? एंड सो व्हाट दे डू, दे आर द सोल्जर्स, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे आर अप टू 2000, मे बी 1000, द होल हनी कोम, पूरा छत्ते में नंबर वाइज मेंबर सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? वर्कर हनी बी के। किसके होते हैं? इनको वर्कर्स बोलते हैं। वर्कर मतलब ये नर्सिंग हनी बी भी यही होती हैं, पानी लाने वाली भी यही होती हैं, क्वीन की सेवा करने वाली भी यही होती हैं। हनी कोम, वो पॉलीगोनल जो हनी कोम बनाने में भी यही हेल्प करती हैं। एवरी वर्क इज डन बाय दीज फीमेल्स विच आर इनफर्टाइल बट दे कैनॉट ले एग्स, क्लियर? नाउ द थर्ड मेंबर विच इज द मेल, थर्ड मेंबर कौन होता है? इट इज द मेल। और मेल को बोलते हैं ड्रोन। क्या बोलते हैं मेल को? हनी बी के मेल को बोलते हैं ड्रोन्स। दिस इज द ड्रोन, इट्स मेल एंड इट इज ओनली द मेल्स आर स्मॉल इन साइज, नॉट बिग एज फीमेल क्वीन, बट मेल्स आर नियरली 100 इन वन हनी कोम। कितने होते हैं? 100। And their only function is to fertilize the female with their sperms during nuptial flight. Now these are the members of the chatta. ये joint family के members होते हैं। तीन population: queen, single, female, fertile. Workers सारी females. Number may be in thousands. सबसे ज़्यादा workers होती हैं। सारे काम करती हैं। सिवाय अंडा नहीं देती क्योंकि infertile है। लेकिन उनका सेक्स कौन सा है? फीमेल। द थर्ड वन मेंबर ड्रोन 100 के करीब होते हैं, 100 के करीब, एंड दे फर्टिलाइज द फीमेल ड्यूरिंग नप्शियल फ्लाइट, दे विल फर्टिलाइज द फीमेल क्वीन विद द स्पर्म्स, क्लियर? नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट विच फिनोमेना? पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कैसे? नाउ द एग ऑफ द फीमेल, तो एग इज डिप्लॉयड एग जो है उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है? सो डिप्लॉयड एग जो है
डिप्लॉइड जाइगोट जो है उससे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो क्वीन, सो क्वीन विल बी डिप्लॉइड, ठीक है, मतलब सेक्शुअल नॉर्मल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगी। वर्कर्स विल बी डिप्लॉइड नॉर्मल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगी, बट ड्रोन्स आर हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड? क्वीन बी के कुछ अंडे, देखो ये क्वीन के एग्स हैं, जो बहुत सारे अंडे दिए, ठीक है, जिन अंडों को, इनमें से कुछ अंडों को, खास कुछ अंडों को वर्कर हनीबीज कौन सा फूड देंगी, दैट इज रॉयल जेली। यहां से लार्वा निकलेंगे और उन लार्वा को क्या दिया जाएगा, रॉयल जेली। जिन लार्वा, कुछ इतने सारे अंडों में से कुछ लार्वा को क्या खिलाया जाएगा, रॉयल जेली, दे विल टर्न इनटू क्वीन। कुछ ही होते हैं, चार पांच, वो क्वीन में बदल जाएंगे। नॉर्मल बाकी के लार्वा को क्या दिया जाएगा, सिंपल हनी, वो सब टर्न हो जाएंगी किसमें, फीमेल वर्कर्स, ठीक है। कुछ अंडे इनमें ऐसे होंगे जो कि, देखो ये बाकी के सब क्या होंगे, भले ही खाना कोई सा भी दो, वो क्वीन और वर्कर डिसाइड करेंगे, लेकिन ये सब कैसे अंडे हैं, जाइगोट है, बाकायदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मेल और फीमेल गैमीट से फ्यूज होके, माने नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन से। कुछ अंडे जिनको मैं क्रॉस कर रही हूँ रेड से, वो फीमेल क्वीन जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग का यूनियन नहीं हुआ, ओनली एग ही है, एग और पार्थिनोजेनेटिकली ये एग जो है, इट विल टर्न इनटू ड्रोन्स। काय में टर्न हो जाएगा, तो जब यूनियन ही नहीं हो, सिर्फ एग ही टर्न हो गया है, पार्थिनोजेनेसिस, तो ये एन और एन रहेंगे, तो मेल्स क्या हैं, वो अंडे, सारे अंडों में से जो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधे मेल को जन्म दे रहे हैं, वो ड्रोन जिनको बोलते हैं, वो सब क्या होते हैं, तो मधुमक्खी के हनी कोम में पूरे सेल्स में से सारे अंडे जितने क्वीन मधुमक्खी देती है अपने लाइफ टाइम में, उसमें से मेल जो होते हैं सारे, वो दे आर बॉर्न विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीधे एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले अंडे विल टर्न इनटू मेल विच आर कॉल्ड एज ड्रोन। और विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब सिर्फ एग ही टर्न हो रहा है, एग इज अ गैमीट, रूल बालों में आपको गैमीट मींस ओनली हैप्लॉइड हाफ, सो द ड्रोन्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। सो हनी बी की फैमिली में इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस क्यों, देखो वर्कर और क्वीन तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से बने, गैमीट्स के फ्यूजन से, तो आधे मेंबर्स तो नॉर्मली बने, और ड्रोन्स जो है वो कैसे बने, पार्थिनोजेनेटिकली हो गया इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो कुछ वॉस्प हुए, हनी भी हुई, जिसमें कुछ मेंबर्स पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं और कुछ मेंबर्स कैसे बनते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका एक बहुत अच्छा, ये तो इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और है, इनकम्प्लीट में आता है टर्की, ये एनसीईआरटी में दिया, टर्की इज अ बर्ड, एंड टर्की में भी इसी तरह का कुछ फिनोमेना होता है। कैसे, टर्कीज में 40% ऑफ मेल, उनकी पूरी पॉपुलेशन में 40% ऑफ मेल्स आर फॉर्म्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, 40%, बाकी बचे 60% मेल्स, 60% मेल्स एंड ऑल फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बोथ द गैमीट्स, क्लियर। सो
द बर्ड ऑल्सो प्रोड्यूस 40% मेल पॉपुलेशन ऑफ टर्की अमंग्स द टर्की आर 40% बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज एग डायरेक्टली टर्निंग इन टू मेल टर्की बर्ड्स. क्लियर है? सो जब पूरी पॉपुलेशन में कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, कुछ पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं. टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट. वी डिड कंप्लीट लास्ट क्लास में. कंप्लीट मतलब जहां सारे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से ही बनते पूरी पॉपुलेशन के. एग्जाम्पल याद आया कंप्लीट में? लिजर्ड्स, लेसर्टा सेक्सिकोला याद आया, कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, देन नेमेडिफोरस विप टेल लिजर्ड ऑफ अमेरिका. ये लिजर्ड सब कौन सा टाइप का पार्थिनोजेनेसिस शो करती? कंप्लीट. सम व्हील एनिमल्स रोटिफर्स, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस मतलब सारे मेंबर्स आगे की जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स आर डेवलप थ्रू पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दे आर ऑल फीमेल्स. इनकी पूरी फैमिली में क्या नहीं होता? मेल्स पाया ही नहीं जाता. ऐसे मेंबर्स की पूरी पॉपुलेशन में मेल्स होते ही नहीं है. नो मेल्स अकर इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन. रोटिफर्स आर देयर, देन लिजर्ड्स आर देयर, बोथ टाइप ऑफ लिजर्ड. आई हैव गिवन द जूलॉजिकल नेम, प्लीज लर्न द नेम्स बाय हार्ट. लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिएका, दैट इज कॉकेशियन रॉक लिजर्ड. देन नेमेडिफोरस, इट इज विप टेल लिजर्ड ऑफ अमेरिका. इन सब में एंड वन लिटिल स्नेक ऑफ इंडिया, टिफलीना ब्राह्मीना. ये तीनों नाम लर्न होने चाहिए. दीज आर दे ऑब्जर्व पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट. ओनली फीमेल्स आर देयर इनकी पूरी पॉपुलेशन में, नो मेल्स आर देयर. एग विल टर्न पार्थिनोजेनेटिकली इनटू फीमेल्स. क्लियर है ये बात? कंप्लीट इनकम्प्लीट मैंने तीन टाइप का बताया था. सो दिस वॉज अबाउट द हनी बी फैमिली. नाउ हनी बी में जो मेल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो क्या हैं? हैप्लॉइड हैं. ध्यान रखना, क्योंकि दे आर प्रोड्यूस पार्थिनोजेनेटिकली एंड दैट ऑल्सो विच टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस. नाउ वन स्पेशल टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज देयर, दैट इज पीडोजेनिक. मैं पहले भी बता चुकी हूं पीडोजेनिक पार्थिनोजेनेसिस जो होता है वो पीडो वर्ड का मतलब ही होता है चिल्ड्रन, पीडियाट्रिक्स रिलेटेड टू बच्चों से रिलेटेड बात. सो पीडोजेनिक पार्थिनो, यू नो पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस. अब पीडोजेनिक, ये टिपिकल फिनोमिना मिलता है लिवर फ्लूक. यू रिमेंबर लास्ट ईयर का 11th का लिवर फ्लूक, फ्लैट वर्म्स याद है? मैं फटाक से डायग्राम बनाती हूं तो आपको एकदम याद आ जाएगा क्या लिवर फ्लूक. ये शीप की लिवर पे पैरासाइट होते हैं और फ्लैट वर्म्स में आता है लिवर फ्लूक. अब लिवर फ्लूक जो है उसके जब वो एग ले करता है तो आपको याद होगा मैंने 4-5 लार्वल स्टेजेस बताई थी. मैं फास्ट बता देती हूँ. सपोज एग उसने ले किया मिट्टी में, वाटर में. एग से फर्स्ट लार्वा जो निकलता है उसका नाम है मेरासीडियम. कौन सा लार्वा है? मेरासीडियम. जो सेकेंड लार्वा है आफ्टर मेरासीडियम, जो सेकेंड है वो है स्पोरोसिस्ट. कौन सा लार्वा है? स्पोरोसिस्ट. थर्ड लार्वा विल बी रेडिया. फोर्थ लार्वा विल बी सर्केरिया. एंड फिफ्थ लार्वा, फाइव लार्वा स्टेजेस हैं, मेटासर्केरिया. अब हम पढ़ रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस और वो इसमें ऑब्जर्व ऑफ पीडोजेनिक. ये लार्वा है पहला मेरासीडियम, सॉरी, ठीक है, मेरासीडियम नॉर्मल लार्वा है. बहुत सारा खाना, लार्वा का काम ही होता है बहुत सारा खाना खाना. इट विल टर्न इनटू विच लार्वा? स्पोरोसिस्ट. ठीक है, स्पोरोसिस्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज. अब स्पोरोसिस्ट जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली, मतलब उसको कोई गैमीट फ्यूजन की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद बच्चे देने के काबिल है, आगे का लार्वा को बर्थ देने के काबिल है पार्थिनोजेनेटिकली.
सो कैसा टाइप का? पीडोजेनिक, खुद छोटा बच्चा लार्वा है और वो आगे के लार्वा को बर्थ दे सकता है। तो कौन से लार्वा को बर्थ दे रहा है वो? पार्थिनोजेनेटिकली, दैट इज रेडिया। और रेडिया भी यही काम कर रहा है, सरकेरिया को विदाउट फर्टिलाइजेशन बर्थ दे रहा है। तो ध्यान रखिए, आई एम मार्किंग इन रेड दीज टू लार्वा स्पोरोसिस। नीट में भी क्वेश्चन आता है, द स्पोरोसिस एज वेल एज रेडिया, ये दोनों ही पार्थिनोजेनेसिस से विदाउट फर्टिलाइजेशन, गेमीट्स की जरूरत नहीं है, दे कैन गिव बर्थ टू द नेक्स्ट लार्वा। विच वन? स्पोरोसिस गिव बर्थ टू रेडिया, रेडिया गिव बर्थ टू सरकेरिया थ्रू पीडोजेनिक पार्थिनोजेनेसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसके दो ही ये लार्वा हैं जो पार्थिनोजेनेसिस शो करेंगे। अब सरकेरिया चेंजेस इंटू मेटा सरकेरिया, बट इट डजेंट गिव बर्थ टू मेटा सरकेरिया बाय पार्थिनोजेनेसिस। ओनली टू स्टेजेस, द सेकेंड वन एंड द थर्ड स्टेज लार्वा, स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया, विल गिव बर्थ थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, वन वॉज लिवर फ्लू, गॉल फ्लाई। गॉल फ्लाई जो है वो आपको याद होगा, जब मैंने फिग, अंजीर का पॉलिनेशन लास्ट ईयर बताया था, तो एक खास तरह का इंसेक्ट, गॉल इंसेक्ट या गॉल फ्लाई, अंजीर को पॉलिनेट करती है, खास अंजीर को पॉलिनेशन के लिए ही बनी है। वो गॉल फ्लाई के, याद आया मैंने बताया था, अंजीर में तीन टाइप के फ्लावर्स होते हैं अंदर। एक फ्लावर होता है गॉल फ्लावर, वो स्टराइल होता है, उसकी ओवरी में अंडे दिए जाते हैं। अब उसमें से कुछ अंडे में से जो लार्वा निकलते हैं वो आपको पता है अगली स्टेज के लार्वा को ही पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं, अगेन पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। सो लार्वा ऑफ, सम लार्वा ऑफ गॉल फ्लाई, लार्वा खुद अभी पूरा कंप्लीट अडल्ट में नहीं हुआ है, और इट कैन गिव राइज पार्थिनोजेनेटिकली टू अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? सो गॉल फ्लाई एंड लिवर फ्लू, दैट इज पीडोजेनिक पार्थिनोजेनेसिस। वी हैव कंप्लीटेड कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड द पीडोजेनिक पार्थिनोजेनेसिस। नाउ पार्थिनोजेनेसिस से कौन से टाइप का सेक्स बन रहा है, मेल और फीमेल, इसके बेसिस पे तीन टर्म्स है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो राइट देयर ZZZZ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, जरूरी पहले ही लिख लो, तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको पहले ही बताती हूँ, पार्थिनोजेनेसिस से कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, नीट में भी, लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर का कुछ सेट का पहला क्वेश्चन ही यही था, पार्थिनोजेनेसिस हर साल आता है। सो जस्ट पे अटेंशन, एक एक बात इसकी ध्यान देना, इवन इन योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट आप लिख के ले लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सो बहुत अच्छे से समझ लो, ये तीन टर्म्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, द टर्म्स आर एरिनोटोकी, ठीक है, एरिनोटोकी। सेकेंड इज थैलाइटोकी, थर्ड एम्फीटोकी। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, आर ई करी, एरिनोटोकी। नाउ ग्रीक में एरिन वर्ड का मतलब होता है मेल, सो एरिन मतलब होता है मेल, ठीक है। थैलाई वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में होता है फीमेल, और एम्फी तो आपको मैं 10 बार बता चुकी हूं, एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, एम्फीबियंस, जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, एम्फी वर्ड मींस बोथ। ओके, सो एम्फी टोकी। अब कैसे, अगर कुछ एनिमल्स पार्थिनोजेनेटिकली, यानी पार्थिनोजेनेसिस के जरिए सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे कैन प्रोड्यूस ओनली मेल्स थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, तो वो क्या कहलाते हैं, वो फिनोमेना क्या कहलाता है, एरिनोटोकी। मैंने अभी बताया एरिन मीन्स मेल्स, तो एरिनोटोकी टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। जिनमें
पार्थिनोजेनेसिस से ओनली फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी पॉपुलेशन में ओनली फीमेल्स, वो क्या कहलाता है, थैलाइटोकी। एंड जिसमें जिनकी पॉपुलेशन में दोनों प्रोड्यूस होते हैं फीमेल एज वेल एज मेल, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीटोकी। क्लियर है, क्या प्रोड्यूस, कौन सा सेक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मेल की फीमेल की दोनों, उसके बेसिस पे दे तीन टर्म्स हैं, टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, एरिनोटोकी, थैलाइटोकी एंड एम्फीटोकी। एक एग्जांपल मैं सबके दूंगी एक एक। ओनली मेल्स, अभी मैंने कराया हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से, रिमेंबर पार्थिनोजेनेसिस, हनी बी, वॉस्प्स, वॉस्प हैं कुछ, देन स्पाइडर्स हैं कुछ, नॉट ऑल, देन अभी एक और एग्जांपल कराया बर्ड में टर्की, टर्की दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्थिनोजेनेसिस होता है, टर्की में मेल्स प्रोड्यूस होते हैं 40% मेल, अभी बताया, सो दैट इज एरिनोटोकी। जहां सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस हो रही हैं, जितने भी मेरे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस के आपको बताए थे वो सारे एग्जांपल्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। ऑल लिजर्ड्स, कौन सी, जो मैंने बताई थी, सारी लिजर्ड्स मतलब जो मैंने बताई हैं कंप्लीट में, आई विल रिपीट, कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, विप टेल लिजर्ड, लिटिल स्नेक ऑफ इंडिया, ऑल द थ्री स्नेक एंड लिजर्ड, ये तीनों एग्जाम्पल, एंड रोटिफर्स, दे ऑल प्रोड्यूस फीमेल्स। ओके, सो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नाउ बोथ, बोथ का एग्जाम्पल है एफिड्स, ठीक है। अब बोथ कैसे, जो अपनी पॉपुलेशन में पार्थिनोजेनेसिस से कभी तो फीमेल बना लेते हैं कभी मेल, दोनों तरीके के सेक्सेस प्रोड्यूस करने के काबिल हैं, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ द सेक्सेस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज एम्फीटोकी। अब एफिड्स क्या करते हैं, जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग मतलब बहुत फ्लावरिंग ब्लूमिंग फ्रूट, मालूम है बहुत सारा खाना हो रहा है, तभी तो स्टेम पे छोटे छोटे चिपके हुए मिलते हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा, छोटे 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 पास से देखिएगा, हैंड लेंथ से दिख जाएंगे आपको, वो छोटे छोटे कीड़े टाइप होते हैं, वो चिपके रहते हैं, प्लांट का सैप खाते रहते हैं, एफिड्स। स्प्रिंग सीजन में जब फ्लावर ब्लूमिंग फ्रूट्स एवरीथिंग इज देयर, उस समय जो एफिड की फीमेल है वो पार्थिनोजेनेसिस से सिर्फ किसको बर्थ देगी, बहुत सारी फीमेल्स को, दैट इज ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग खत्म होते से ही समर आता है, सो समर के मंथ में जैसे ही समर आने लगता है तो यही फीमेल जो पार्थिनोजेनेसिस से बनी है वो दोनों पार्थिनोजेनेसिस से दोनों बनाएगी, क्या मेल भी कुछ बनाएंगी और फीमेल, फीमेल विल कंटिन्यू एस गिविंग राइज टू फीमेल्स एंड फ्यू फीमेल्स विल फर्टिलाइज विद द मेल स्पर्म एंड गिव राइज टू फीमेल। सो दिस इज हाउ the cycle is continued, where in the population of aphids both the type of sexes are produced, male as well as female, by parthenogenesis, the three types on the basis of what type, whether male or female, is produced. So this was the, these were the natural methods of parthenogenesis, the three methods, complete, also called as obligatory, incomplete and pedogenic parthenogenesis. सबके एग्जांपल्स मैंने दिए डिटेल में, मैंने ये भी बता दिया है आपको कि अगर सेक्स के बेस पे तीन टर्म्स हैं, एरिनोटोकी, थैलाइटोकी एंड एम्फीटोकी, ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैंने इनकम्प्लीट का डिटेल में कराया क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है, हनी बी पूरी उसकी फैमिली, जॉइंट फैमिली की जानकारी दी आपको कि क्वीन कितनी कैसी, वर्कर्स कितने कैसे, मेल्स कितने और क्या काम, क्लियर। और पार्थिनोजेनेसिस वाला मेंबर सिर्फ मेल्स होते हैं, ड्रोन्स, क्लियर। अब पार्थिनोजेनेसिस फिनोमेना के एडवांटेजेस, उसके क्या फायदे, सिग्निफिकेंस क्या है पार्थिनोजेनेसिस का, तो ये आ सकता है, ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, आ सकता है ट्वेल्थ में। तो पहला सिग्निफिकेंस आई विल बी राइटिंग इन शॉर्ट क्या हो सकता है, सो फर्स्ट इज द मेल्स, is
आर रिकग्नाइज्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ हनी बी. किस फिनोमेना से? यानी हनी बी दुनिया में कहीं भी मधुमक्खियां होंगी उसमें मेल्स जो हैं वो किस फिनोमेना से हैं वजूद में? ओनली पार्थिनोजेनेसिस. सो मेल मेलनेस यानी मेल का कैरेक्टर उनकी पूरी फैमिली में इज थ्रू पार्थिनोजेनेसिस. ये एक सिग्निफिकेंस है. दिस इज अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक एंड रैपिड मेथड. बड़ा सिंपल सा है, मेल स्पर्म की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज बहुत फास्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स. तीसरी इकोनॉमिकल, ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती जिस भी एनिमल में ये ऑब्जर्व हो रहा है. सो कंपैरेटिवली सेक्सुअल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इकोनॉमिक है और रैपिड मेथड है. नेक्स्ट जो है, कुछ एनिमल्स जैसे या प्लांट्स जैसे वीट विच आर नॉट डिप्लॉयड विच आर दिस आई विल बी डीलिंग इन डिटेल इन जेनेटिक्स. एन्यूप्लॉइड्स बोलते हैं उनको. ठीक है, दे आर नॉट डिप्लॉयड. तो डिप्लॉयड अगर ऑर्गेनिज्म नहीं है ना तो आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आगे की जनरेशन प्रोड्यूस करने में बड़ी मुश्किल होती है. नहीं, सीड नहीं बनता अगर प्लांट है एनिमल में आगे की जनरेशन प्रोड्यूस करने में. ऐसे बंदों को, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी हो, एन्यूप्लॉइड्स, इनको आगे तक कंटिन्यू रखने में कैसे करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पॉसिबल नहीं है ना तरीका अपने पास. कौन सा? एन्यूप्लॉइड्स कैन बी सेव्ड फॉर जनरेशंस थ्रू विच प्रोसेस? पार्थिनोजेनेसिस. चाहिए ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है तो दे कैन बी सेव. ठीक है, ये हो गया. और भी एडवांटेज है, रैपिड हो गया. प्रोजेनी जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट से रिजेंबल करती है, एग्जाम कॉपी रिजेंबल, पेरेंट्स से रिजेंबल करती है. ठीक है, और कोई तो नहीं रह गया. हाँ, दीज वर द रिप्रोडक्शन के, पार्थिनोजेनेसिस के एडवांटेज. एक डिसएडवांटेज है, मतलब है तो दो तीन, लेकिन डिसएडवांटेज में एक में कर देती हूँ और वो सब रिलेटेड हैं. क्या आपको मालूम है, जिस भी टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इनका फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो बंदे को वेरिएशन होंगे उनमें? नहीं होंगे. वेरिएशन नहीं होंगे तो अडैप्टेबिलिटी नहीं होगी, अडैप्टेबिलिटी नहीं होगी तो उनका एग्जिस्टेंस मुश्किल होगा. ऐसे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हम प्रोड्यूस तो कर लेते हैं लेकिन एक खतरा मंडराता रहता है, दैट इज उनको खतरा है एक्सटिंक्शन का. कभी भी वो वाले टाइप्स एक्सटिंक्ट होने हो सकते हैं. सो दे आर ऑलवेज इन अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. सो एक लाइन में लिखती हूँ, नो वेरिएशन, नो हेंस नो अडैप्टेशन and they have danger of extinction always. They are in danger. So this was, अगर किस पूरा 5 mark का question फंस सकता है, 5 mark का question आ गया parthenogenesis के, you will have to give question का end ही तब होगा when you will write the एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अलग से भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो कंप्लीट इन डिटेल वी हैव डन व्हाट पार्थिनोजेनेसिस, ऑल द टर्म्स.
ये एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में सिर्फ, लेकिन उससे रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारा टॉपिक हम क्या कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी में भी फर्टिलाइजेशन में ही दिया हुआ है, जाइगोट का बनना। वी डिड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिफरेंस कर चुके हम इसमें, ये टॉपिक पूरा कर चुके। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कौन से पार्ट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो हम करेंगे अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो हैं वो कहां से शुरू करते हैं, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। मैं आपको फिर बताती हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन में अपने दो स्टेप कर लिए थे डिटेल में, गेमिटोजेनेसिस, गेमिट ट्रांसफर, फिर आया फर्टिलाइजेशन जहाँ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट देखा। अब हम जा रहे हैं, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यूनियन ऑफ गेमिट्स हो चुका है, अब स्टेप आएगा और उसमें दो स्टेप्स हैं, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो जेनेसिस। कौन सा, एम्ब्रियो जेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का सफर। ये चैप्टर सिर्फ बेसिक्स का है बच्चों, आपको सिर्फ ब्रीफिंग की जा रही है, डिटेल आने वाला है नेक्स्ट टू चैप्टर्स में, प्लांट में भी और एनिमल में। तो टर्म्स अच्छे से समझ लो। मुझे मालूम है बहुत से बच्चे शर्म के मारे ये नहीं पूछते, मैम जाइगोट क्या है, मैम एम्ब्रियो। मैं दावे से कह सकती हूँ, यू ऑल डोंट नो व्हाट इज एम्ब्रियो, रट रट के आते हो, समझ लो अभी भी। जाइगोट क्या है, ये एग है। क्या है एग, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल ऑफ प्लांट और एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये गैमीट है, एग इज द गैमीट। मेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म मान लो, दैट इज द मेल गैमीट, ओके, गैमीट है ये, मतलब इसकी प्लॉयडी क्या होगी, एन और एन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और क्या बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एन प्लस एन, मतलब एग और स्पर्म जो है वो यूनियन हो गया। ये सब हम कर चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया, जाइगोट। अब आगे का सफर देख लो, जाइगोट कौन सा वाला सेल है, कितने हैं, कितने नंबर है, एक ही, सिंगल सेल्ड रूल। जाइगोट कितना सेल होता है, सिंगल सेल। कभी भी जाइगोट वर्ड आए तो दिमाग में डाल लो, इट इज ओनली सिंगल सेल। आप, हम, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके आसपास इस अर्थ में है ना, उनकी शुरुआत, हम चाहे कितने मिलियन सेल्स वाले हैं लेकिन हमारी शुरुआत एक सेल से हुई है। अमीबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, शुरुआत उसकी भी एक सेल से हुई है। मतलब लिंक फ्रॉम वन सेल टू मिलियन सेल इज ओनली दैट इज जाइगोट, सिंगल सेल। तो ये जाइगोट है, सिंगल सेल। अब सिंगल सेल में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। बहुत अच्छे से ध्यान देना, माइटोसिस मतलब एक से दो सेल हुए, दो से चार हुए, चार से आठ हुए, एंड सो ऑन। जब तक ये सेल वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, मे बी 16 सेल, 32 सेल, क्योंकि माइटोसिस होता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, प्रोटेस्ट, कोई, अगर हायर में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर जाइगोट बना है, तब वहां से लेकर एम्ब्रियो तक का सफर में सिर्फ क्या होता है पता है आपको, सेल डिवाइड्स, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी 16 सेल, 32 सेल, तब तक एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर विद मल्टीपल सेल्स क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। क्लियर है एम्ब्रियो किसको कहते हैं, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम एम्ब्रियो क्या है, एंड दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सेल डिवीजन हुआ और क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब देखिए, एम्ब्रियो से हमारे, हम तक बनना,
हाथ, दो हाथ, पैर बोल रहे हैं, ऑल ऑर्गन्स, उसको एम्ब्रियो में एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंसिएशन। डिफरेंसिएशन, डिफरेंसिएशन मतलब एक सेल है, सेल को देख के नहीं बता सकते कि वो रूपाली में टर्न होगी कि आप कोई जो भी आप देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स में टर्न होगी, पर वो सेल जो है वो खास काम के लिए बॉडी में टर्न हो जाती हैं। जैसे इन सब सेल्स में से एम्ब्रियो की कुछ सेल्स को काम दे दिया, भैया आप स्टमक में टर्न हो जाइए, कुछ सेल्स को काम दिया आप बॉडी का सारी मसल्स बनाएंगी, कुछ सेल्स को काम दे दिया आप बॉडी में किडनी में टर्न हो जाएंगी, आप लिवर में टर्न हो जाएंगी, ऐसे सारी सेल्स को परमानेंट होने का ऑर्डर दे दिया जाता है और वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, और पूरा ऑर्गेनिज्म कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, डिपेंड्स, वो बन जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो से सेल्स का किसी फॉर स्पेशल फंक्शन, दे टेक सम स्पेशल फंक्शन ऑफ टू कन्वर्ट इनटू एन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम विच मेक्स द ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है सेल्स जब जुड़ती हैं तो उनको टिश्यू कहते हैं, टिश्यूज जब जुड़ते हैं टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन्स जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिला बनाते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म। इस सफर को बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्फोजेनेसिस। सो फ्रॉम सिंगल सेल अप टिल एम्ब्रियो ओनली व्हाट हैपेंस? सेल डिविजन। व्हाट हैपेंस? सेल का डिवीजन। सिर्फ सेल एक से दो, दो से चार, चार से आठ होगी, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो दे टेक अप फंक्शन। जिसने जिस ऑर्गन में बनने का फंक्शन ले लिया वो उस ऑर्गन में परमानेंटली टर्न हो जाती है, उसको बोलते हैं डिफरेंसिएशन। सो दिस हैपेंस during differentiation and ultimately the organism is formed. Clear है दोनों terms? ठीक है। अब जो union है, zygote बनने का जो तरीका है, development है, उस पर तीन terms हैं, again important. Zygote का कैसे development होता है? Oviparous, ओवोविवीपेरस एंड विवीपेरस, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पुट जेड जेड, एनसीईआरटी के टर्म्स हैं। नाउ ओवीपेरस, नाम में है ओवी, ओवी मींस होता है एग, ठीक है। एनिमल्स लाइक फिशेस, like amphibians, frogs and toads, all reptiles, all birds, अंडे देती हैं आपको, birds तो पता ही है, चलो इनका नहीं पता लेकिन आपको पता है turtles, मगरमच्छ, birds सब अंडे देती हैं कि नहीं देती, मुर्गी के अंडे खाते, तो सब they are एग लेइंग। जिनका जाइगोट से आगे तक का सफर, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनने तक का सफर बॉडी के बाहर हो रहा हो, दे आर एग लेइंग एनिमल्स, ओवीपेरस, दे ले एग, ले एग। आप ध्यान देना, एग कैन बी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड, कैन बी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। कैसे मुझे बताओ? फिशेज में याद आया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेल मछली और फीमेल मछली साथ साथ आते हैं, फीमेल मछली अपने अंडर डालती अनफर्टिलाइज्ड और उसके ऊपर मेल मछली अपने स्पर्म्स डाल देगी, तो अनफर्टिलाइज्ड हुआ, तो मछलियों में इट इज अनफर्टिलाइज्ड। अगेन सेम विद द, जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उनमें अंडे अनफर्टिलाइज होते, लेकिन रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, मुर्गी के, ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये सब फर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब जो अंडा बाहर आता है वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। सो ओवीपेरस,
मैं पहले विवीपेरस बताऊंगी, फिर ओवो विवीपेरस। विवीपेरस हम सब क्या हैं? हायर मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस, दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। जो बच्चे को जन्म दे, नो अंडा नथिंग, बॉडी के बाहर सीधे यंग बच्चा ही बाहर आता, डिलीवर होता है, दैट इज दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज विवीपेरस, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, विच ले एग, कैसा भी अंडा हो। और जो एग होता है ना, खासकर रेप्टाइल्स और बर्ड्स का, वो कैल्शियम का बना हुआ शेल होता है, तो प्रोटेक्टिव होता है वो, और उसके अंदर पूरा एम्ब्रियो को फीड करने के लिए न्यूट्रिशन होता है। नाउ दिस, इसमें सबको कंफ्यूजन है, आज के बाद नहीं होगा। ओवो विवीपेरस, इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, रट लो एग्जाम्पल, सिर्फ दो ही हैं, शार्क्स एंड रैटल स्नेक, ओवो विवीपेरस, दोनों ही काम करते। देखो, शार्क को मैं एग्जाम्पल देती हूँ, शार्क की यूट्रस में पूरा अंडे जैसा शेल होगा, ठीक है, मतलब देयर इज अ कवर्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है, योक वोक सब है, और अंदर ही उसके एग है, मतलब जाइगोट है, वो जाइगोट जो है वो पूरा बेबी शार्क बनने तक उस शेल के अंदर उतना सफिशिएंट फूड है उसको, वो रहेगा मदर की बॉडी में, शार्क मम्मी शार्क की बॉडी के अंदर रहेगा वो, पर वो एग रहेगा, मतलब कवर्ड स्ट्रक्चर है और उसमें उतना खाना है, नथिंग इज सप्लाइड फ्रॉम द मम्मी शार्क इनसाइड दैट एग विच इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द शार्क, ठीक है। तो ओवी हो गया, अंडा है, अंदर है, बाहर नहीं आया, ओवो विवीपेरस। अब जब पूरी बेबी शार्क बन गई, अंदर ही उस एग के अंदर, बॉडी के अंदर, वो एग फट जाता है, ठीक है, वो एग कैप्सूल फटता है और वो डिलीवर करती है एक बेबी शार्क को, विवीपेरस। मतलब दोनों ही काम हो रहे हैं कि नहीं, अंडा बॉडी के अंदर है, ओवो विवीपेरस। रैटल स्नेक में भी सेम होता है। इसके ऑपोजिट विवीपेरस में हमारे उसमें क्या होता है, जाइगोट अंदर है यूट्रस में, जाइगोट से 9 मंथ्स बर्थ तक, बेबी के बर्थ तक द न्यूट्रिशन, कोई वो बेबी किसी अंडे कवच में नहीं रहता अंदर, वो यूट्रस में डेवलप होता है एंड द न्यूट्रिशन एवरीथिंग इज सप्लाइड बाय मदर्स ब्लड, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा, द पार्ट विच सप्लाइज एवरीथिंग टू द डिवेलपिंग फीटस इनसाइड द यूट्रस, इट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। सो एवरीथिंग गिवन बाय मदर्स प्लासेंटा, सो दैट इज विवीपेरस। एंड द एग ओवीपेरस, यू नो द एग शेल स्ट्रक्चर, ऑल फूड इनसाइड विच इज लेड आउटसाइड द बॉडी, ओवीपेरस। क्लियर है तीनों में डिफरेंस? आता है डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एंड विवीपेरस, ठीक है। तो ओवी और विवीपेरस का जो डिफरेंस है वो हम एक बार फास्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये 12th में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एंड, तो पका पकाया आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पहला डिफरेंस आंख बंद करके, कान बंद करके अब बता सकते हो, क्या? ले एग्स ओवीपेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस विवीपेरस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, दो डिफरेंस ऐसे ही बिना रटे एग्जाम्पल, आपको मालूम है हम लोग बर्थ देते हैं तो हम लोग सब और सारे मैमल्स किसमें आ गए, इन विवीपेरस, और बाकी अंडा अगर सब नहीं ध्यान आते तो बर्ड्स तो मालूम है क्योंकि अंडे खाते हैं, तो बर्ड्स दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस। अब ले एग्स कर रहे हैं तो जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर, इन ओवीपेरस। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इधर डेवलपमेंट इन विवीपेरस ऑफ जाइगोट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। एंड आप बताइए दोनों में वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स और खतरा किसको ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जो बाहर अंडे देंगे, सो दे आर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स,
उनको बहुत ज्यादा खतरा है जो अंडे बाहर देते हैं, क्योंकि अंडे को कोई खा जाएगा, कोई ले जाएगा, टूट जाएंगे, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ दे आर द विवीपेरस के जो भी एम्ब्रियो एज वेल एज फीटस इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर. आप एक वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पेरेंटल केयर प्रेजेंट एंड पेरेंटल केयर नॉट वेरी लेस ऑफ द एग लेइंग एनिमल्स शो पेरेंटल केयर. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंसेस which you can write. So this completes animal mein jo post fertilization ke points hai. We will continue with the plant ka post fertilization and will end this chapter, and I will give you in next class a small packet of surprise. Usme inaam bhi hai, to wo main next usme bataungi. Clear? Thank you.